खबर आपको देंगे। पंजाब समेत मुल्क भर में जारी और नई तरक्याती स्कीम्स को अरबों रुपए के फंड्स फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इजलास कल 2 मई को पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुनाकिद होगा, जिसमें मजमू तौर पर 10 एकड़ की 3 तरक्याती स्कीम्स पर जेर बहस की जाएगी। अहम खबर है जो आप तक पहुँचाने, एक बार फिर से आपको अपडेट करें कि पंजाब समेत मुल्क भर में जारी और नई तरक्याती स्कीम्स को अरबों रुपए के फंड्स फराहम करने का अहम फैसला सामने आ गया है। वफाकी हुकूमत ने सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास कल 2 मई को पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें मजमू तौर पर 10 सेक्टर्स की 30 तरक्याती स्कीमें जेर बहस आएंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग अदनान राजपूत से। जी अदनान, बताइएगा 10 सेक्टर्स की 30 तरक्याती स्कीमें जेर बहस आएंगी। जी बिल्कुल, पंजाब समेत मुल्क भर में जारी और नई तरह की स्कीमों को अरबों रुपए के फंड फराहम करने का फैसला किया गया है। जो इजलास है वो इस वाले से इस्लामाबाद में होगा। इजलास में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान के वाई वजरात, सेक्रेटरी सालाना, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में दीगर शरीक होंगे। इजलास की जो सदारत है वो वफाकी वज़ीर सूबाबंदी करेंगे। एनर्जी सेक्टर की 4, वाटर सोर्स की 2, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की 4, ट्रेन की 5, सेहत की 5 तरह के स्कीमों की फंड जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में मेन पावर सेक्टर की 1, जबकि खुराक और जवाब सेक्टर की 2, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग सेक्रेटरी की जो है वो 200 सेक्टर की 1 और साइंस टेक्नोलॉजी सेक्टर की 5 तरह की स्कीमों के लिए फंड के इजलास की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत पंजाब के 2 अहम प्रोग्राम जिनमें पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब सेल सिटी प्रोग्राम और हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी एजुकेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी जेर बहस आएगा। जी जेर बहस आएगा। बहुत शुक्रिया अदनान राजपूत तफसीलात से आगाह करने के लिए।